गाइस उम्मीद आप खैर से होंगे। आज हम बना रहे हैं मटर पुलाव। उसमें हमने जो है तेल लिया एक कप, उसमें प्याज ले लिया आपने एक, और ज़ीरा के साथ इसको फ्राई करके फिर इसमें आप जो है जब प्याज आपकी लाल हो जाए तो आप उसमें मटर, लहसुन अदरक और नमक और ये हरी मिर्च डाल के अपने हिसाब से आप जो है इसमें जो है उसको भून लें। फिर उसके बाद जो है आप इसमें पानी डाल देते ना कि मटर गल जाए। जब मटर जल जाए तो उसके बाद आप जो है अपने चावल भिगोए हुए जो रखे हुए हैं उसमें आप जो है वो चावल डाल दीजिए, अपने चावल ऐड कर दीजिए और फिर आप अपने हिसाब से पानी डाल दीजिए। नमक कम लगे तो जब उबाल आने लग जाए तो नमक चख लेगा और फिर हिसाब से नमक डाल दें। अच्छा फिर हमने पानी डाल दिया अपने हिसाब से और नमक थोड़ा डाल के आप उसको तेज़ आंच में ज़्यादा उबालने दें। फिर उसके बाद ढक के आप इसे पकाएगा और टेस्ट कर लिया कि चावल आपके हुए या नहीं, ठीक है। फिर दम पे देना है। 10 मिनट के रख दिया था पकने के लिए। अब हम देखते हैं इसमें तैयार हुआ, बस थोड़ी सी कसर रह गई है। फिर इसको हम दम दे देंगे 5 मिनट 10 मिनट के अंदर। इसको दम किए रख दिया, देखिए 5 मिनट बाद जब चावल दम हो जाएंगे तो फिर गर्म गरम खाइए मज़े से। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।